La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के हयात तय्यबा से एक और वाक़ा आपके सामने पेश करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम की एक जमात के साथ तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू भी बैठे थे कि दो फरीक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। एक कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गदा है, इसको बास किताबों में दराज गोश भी कहा गया है, दराज गोश यानी लंबे कानों वाला, बारह आप गधा समझ लें, एक गधा है, और ये जो दूसरा आदमी इसकी गाय है, इसकी गाय ने मेरे गधे को मार दिया। इस मजलिस में बैठे हुए एक आदमी ने कहा कि जानवरों पर की तो कोई जमान ही नहीं है कि भाई कोई आदमी का जानवर किसी दूसरे आदमी के जानवर को मार दे तो इसके ऊपर कोई खून बहा या कोई दियत, ऐसा तो कोई मामला है नहीं, कोई जमान तो है नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अली, तुम इनके दरमियान फैसला करो। हज़रत अली ने इनसे पूछा कि ये बताओ, वो दोनों जानवर बंधे हुए थे या दोनों खुले हुए थे, या एक बंधा हुआ था और दूसरा खुला हुआ था, बताओ सूरत हाल क्या थी। उन्होंने कहा कि जो गधा था वो तो बंधा हुआ था और जो गाय थी वो खुली हुई थी और गाय का मालिक भी इसके साथ था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि गाय के मालिक पर इस गधे को मारने का जमान लाजिम है, यानी इसका मुआवजा जो है इसके मालिक से लिया जाएगा कि एक तो गाय खुली थी, गधा बंधा हुआ था, गधे के पास उसका मालिक नहीं था लेकिन गाय के पास उसका मालिक था, तो मालिक को चाहिए था कि वो इस मामले में इंटरफेयर करता, गाय को रोकता या कोई हिकमत अमली इख्तियार करता, तो इसलिए इसका मुआवजा इसके मालिक से लिया जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के इस फ़ैसले को पसंद भी फरमाया और बरकरार भी रखा। इस रिवायत को एक किताब है अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब मिनल मीलाद इलल इस्तिशाद, इसके सफ़ा नंबर 68 के ऊपर इस वाक़े को बयान किया गया है।